गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट, दिस इज योर मनोज जैन सर ऑफ योर मैथ्स टीचर। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 8 ऑफ एंड एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 एंड देन लास्ट एमसीक्यूज जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो एक्सरसाइज अपन लेंगे लास्ट में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ है थ्राइस ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 8। थ्राइस ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 8 द नंबर इज। देखो तो जो क्वेश्चन में कहा हुआ है उस हिसाब से अपने को करना है। मीन्स यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम में जो अपने को दिया है स्टेटमेंट में क्या दिया है, थ्राइस ऑफ अ नंबर, एक नंबर का क्या करना है, थ्राइस करना है। क्लियर? व्हेन डिक्रीज, उसको डिक्रीज बाय 7, उसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स किससे डिक्रीज करना है, 7 से, एंड देन गिव्स 8, 8 मिल रहा है अपने को। क्लियर? तो लेट नंबर बी बी एक्स, आ नंबर बी एक्स, क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, थ्राइस ऑफ अ नंबर मीन्स 3 × x, क्लियर? व्हेन डिक्रीज बाय 7, 7 से इसको डिक्रीज किया, क्या मिला, 8। 7 को इधर लेके आए, 3x इक्वल्स टू 8 प्लस 7, 3x इक्वल्स टू 15, एक्स इक्वल्स टू, देखो 3 और x में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, क्लियर? तो 15/3 क्या हो जाएगा आपका पास, 5, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5, मीन्स ऑप्शन इज डी, ऑप्शन इज डी, क्लियर? नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है थ्राइस ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 7, थ्राइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 7 गिव्स 22 द नंबर इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मतलब वही सेम क्वेश्चन, वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है, मतलब उस टाइप में यहाँ पे वहाँ पे डिक्रीज था, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है। क्या है यहाँ पे, इंक्रीज द थ्राइस ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 7, लेट नंबर बी, अ नंबर बी एक्स एटी के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने जैसा कहा, क्या कहा कि थ्राइस ऑफ अ नंबर 3 × x 7 से इंक्रीज किया, 7 को इंक्रीज करना मतलब प्लस करना, और गिव्स 22, 7 को इधर लेके आए, 3x इक्वल्स टू 22 माइनस 7, 3x इक्वल्स टू कितना, 15, तो x इक्वल्स टू 15/3 मीन्स कितना आ गया आपके पास, 5, x की वैल्यू 5, क्लियर? तो ऑप्शन इज, ऑप्शन आएगा आपके पास ए, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है 5 and 8, हैव क्लियर दिस, सेम वही क्वेश्चन है, वही है, ओनली वहां पे डिक्रीज था, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज है। क्वेश्चन नंबर 5 and 8 टू अ नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइव एड एट टू थ्राइस नंबर गिव्स 23/4 द नंबर इज,
यस, 5 एडेड टू थ्राइस अ नंबर, एक नंबर के थ्राइस में ऐड किया 5, मीन्स यहां पे दिया 5 एडेड टू थ्राइस अ नंबर गिव्स 23 अपॉन 4, क्या मिल रहा है 23 अपॉन 4, लेट सॉल्यूशन है लेट नंबर बी एक्स 80 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थाइस ऑफ अ नंबर मींस एक नंबर क्या क्या करना है थाइस करना है फाइव करना है फाइव एडेड टू द थाइस ऑफ द नंबर एक एडेड क्या करना एक नंबर क्या करना है थाइस करना है उसमें कितना ऐड करना है 5 एक नंबर का थ्राइस करना है और थ्राइस में क्या ऐड करना है 5 क्लियर तो अपन ऐसे किया एक नंबर को एक्स लिया उसके थ्राइस में 3x में क्या ऐड किया प्लस का 5 ऐड किया गिव्स कितना 23 अपॉन 4 अपने को क्या कर रहा है मिल रहा है क्लियर तो नाउ अब अपने को वैल्यू x की निकालनी है 5 को मैंने यहाँ पे इस साइड लेके गया 3x इज इक्वल टू 23 अपॉन 4 माइनस 5 और नीचे लगा दिया 1 3x इज इक्वल टू देखो जब भी आपको सेपरेट करना है और दोनों फ्रैक्शन में तो वी हैव टेकिंग एलसीएम क्लियर तो 4 1 का एलसीएम 4 के टेबल में 4 1 टाइम 23 इंटू 1 माइनस 1 के टेबल में 4 5 4 टाइम तो 5 इंटू 4 ना 3x इज इक्वल टू 23 माइनस 20 अपॉन 4 नाउ इसके बाद यहाँ पे 3x इक्वल टू 3 अपॉन 4 वैल्यू आपको x की निकालनी है क्लियर तो x से जो मल्टीप्लाई है उधर आके डिवाइड x इक्वल टू 3 अपॉन 4 और अपॉन 3 3 से 3 कैंसिल वन टाइम मीन्स x की वैल्यू 1 अपॉन 4 तो x मतलब क्या है यहाँ पे 1 अपॉन 4 सो नंबर सो ऑप्शन है आपके पास बी क्लियर इसके बाद लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है 2 अपॉन 3 ऑफ अ नंबर टू अपॉन थ्री ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय ट्वेंटी टू अपॉन थ्री ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 20 द ओरिजिनल नंबर इज ओरिजिनल नंबर इज देखो क्वेश्चन में जैसा कहा है 2 अपॉन 3 ऑफ अ नंबर लेट अ नंबर बी एक्स इट सॉल्यूशन 80 क्यू 2 अपॉन 3 ऑफ अ नंबर मीन्स 2 अपॉन 3 ऑफ एक्स इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 20 वो नंबर ओरिजिनल नंबर से कितना लेस देन है 20 2 अपॉन 3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 20 ओरिजिनल नंबर से कितना है 20 लेस है मीन्स 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 20 इधर आके प्लस का और ये उधर आके माइनस का ऐसा कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे 20 प्लस का उधर से इधर शिफ्ट कर दिया और इसको यहाँ पे इधर शिफ्ट कर दें तो x अपॉन 1 माइनस 2x अपॉन 3 एलसीएम 3x माइनस 2x 20 इज इक्वल टू x अपॉन 3 दैट्स वाई x इज इक्वल टू
उधर के क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 20/1 ले लिया मैंने इसको, तो ये 20 × 3 और यहाँ पे x × 1, दैट्स वाई 60 = x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। क्लियर? तो ऑप्शन ये आपके पास बी इज बी। एक बार और देख लें यहाँ पे, 2/3 ऑफ अ नंबर मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई एक्स। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, जो स्टेटमेंट दिया हो उसको अपने को बहुत अटेंशन होके पढ़ना है। 2/3 ऑफ अ नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20, वो ओरिजिनल नंबर से कितना है, 20 लेस देन। आप ओरिजिनल नंबर आप सोचोगे क्या है, जो आपने नंबर लिया दैट इज द ओरिजिनल नंबर। क्लियर? तो यहाँ पर x माइनस 20, 2/3 × x इज क्वेश्चन x माइनस 20। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। क्लियर? तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं माइनस का 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2/3 x जो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। क्लियर? अब x अपॉन x के नीचे मैंने 1 लगा दिया। अब जब भी फ्रैक्शन में होना होता है कोई भी नंबर, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी प्लस का साइन हो या माइनस का, तो क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, यू हैव टेक एलसीएम। क्लियर? 1 और 3 का एलसीएम 3। अब 1 के टेबल में 3 कितना टाइम, 3 टाइम, तो 3 × x 3x माइनस 2x एज इट इज। नाउ 3x माइनस 2x कितना होता है, 1x, और 1x को क्या लिख सकते हैं अपन, x। क्या लिख सकते हैं, x। तो 20/1 इज क्वेश्चन 2x/3। अब करना क्या है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी, x की वैल्यू फाइंड करनी, x की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 20 × 3 इज क्वेश्चन 2x × 1। अब वैल्यू फाइंड करनी है आपको x की, तो x × 1 मीन्स x, मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 20, मतलब 60, 20 × 3 60। ठीक है? तो ऑप्शन है आपके पास बी, जो आपके पास 4 ऑप्शन है उसमें 60 इज द, या बी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द रूट ऑफ 2y + 3 इज क्वेश्चन 7 इज, द रूट ऑफ 2y + 3 इज क्वेश्चन 7 इज। देखिए यहाँ पे रूट क्या होता है, रूट मीन्स जो वेरिएबल की वो वैल्यू जो कि जो सिंपल इक्वेशन है उसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, मीन्स उसकी वैल्यू जो यहाँ पे अगर y की वैल्यू ऐसी रखें जो कि कैलकुलेशन करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। क्लियर? तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन है आपके पास, क्वेश्चन 2y + 3 इज क्वेश्चन 7 है, ठीक है, 3 को मैं वहाँ पे लेके गया उधर उस साइड, तो 2y इज क्वेश्चन 7 माइनस 3। अब 2y इज क्वेश्चन 7 माइनस 3 मीन्स 4। अब 2y की वैल्यू अपने को फाइंड करनी नहीं, y के वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, y की। क्लियर? y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इससे क्या है, मल्टीप्लाई है, फिर क्या करेंगे, नीचे आकर डिवाइड कर देंगे, तो y इज क्वेश्चन 4/2। क्लियर? 2 से 4 कितना टाइम, 2 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मीन्स आपके पास ऑप्शन आया है बी, ऑप्शन इज बी। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द रूट ऑफ द 2x + x/x/2 इज क्वेश्चन 20। The root of 2x + x/2 is equal to 20 is, yes, root का मीन, अभी मैंने आपको जैसा पहले बताया था कि root का मीन होता है मतलब आपको variable की value find करना, क्या करना, variable की value find करना। अब variable यहाँ पे क्या है, x है। clear? x variable है, लेकिन 2x + x/2 is equal to 20। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दोनों दो वेरिएबल मीन जैसे x दो जगह आ रहा है, तो पहले उसको सॉल्यूशन करके अपन वन टाइम का मतलब एक फ्रैक्शन बनाएंगे। क्लियर? तो एलसीएम 2x × 2 हो जाएगा प्लस x × 1 हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा आपका 20। यस,
टू एक्स इंटू टू मतलब फोर एक्स प्लस एक्स अपॉन टू इज क्वेश्चन टू 20। वैल्यू आपको x की फाइंड करनी है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो 4x प्लस एक्स मीन्स 5x मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे 20 इंटू टू तो 5x इक्वल टू कितना आ गया 40। क्लियर? तो 5x इक्वल टू 40 तो x इक्वल टू 40 अपॉन 5 मीन्स कितना आ गया, x की वैल्यू 8। देयरफॉर सो रूट इज 8, देयरफॉर ऑप्शन इज, ऑप्शन क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का, बी, बी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 40। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 20, 40, द स्मॉलर नंबर 1 इज। द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स इज 40, स्मॉलर 1 इज, मतलब दोनों में से एक स्मॉलर मीन्स छोटा तो कौन होगा, मीन्स छोटा नंबर कौन सा है। क्लियर? लेट टू कंजुगेटिव ऑड नंबर्स आर, देखो यहाँ पे जब भी ऑड नंबर अपन लेते हैं तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 मीन्स हर नंबर में कितने का गैप होता है, 2 का, ये लेते हैं। क्लियर? अब ऐसा क्यों लिया, क्योंकि क्या है कि आपको क्या बोला है उसने, ओड नंबर, ओड नंबर 2x प्लस 1 मीन्स x की वैल्यू कुछ भी रखो यहाँ पे तो आपका क्या आएगा, हमेशा ओड नंबर ही आएगा। क्लियर? तो नाउ 80 को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 इज क्वेश्चन टू 40। 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 इज क्वेश्चन टू 40, 4x प्लस 4 इज क्वेश्चन टू 40, 4 इधर एक लेस, 4x इज क्वेश्चन टू 40 माइनस 4, 4x इज क्वेश्चन टू 36। नाउ 4x इज क्वेश्चन टू 36, x इज क्वेश्चन टू 36 अपॉन 4 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। x की वैल्यू 9 आई है लेकिन नॉट अ स्मॉलर, देन स्मॉलर नंबर नंबर इज क्या है, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास, 19। क्लियर? मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन है ए। ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, देन क्वेश्चन नंबर 15। हैव यू क्लियर दिस क्वेश्चन? देखें यहां पे और ऑड नंबर था, इस वजह से अपन ने क्या लिया, 2x प्लस 1, 2x प्लस 3। क्लियर? टू ऑड नंबर थे तो और उनका सम किया 40 है, बाकी सिंपल इक्वेशन के थ्रू अपन ने सोल्व किया तो कितना आया, स्मॉल और वन नंबर आया आपका 19। क्वेश्चन नंबर 13, टू मोर देन टू मोर देन थ्री टाइम्स द नंबर इज 17। द नंबर इज
2 more than 3 times the number is 17. The number is, देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपने को वर्क करना है. मीन द मोर देन टू मोर देन थ्री टाइम्स अ नंबर, लेट नंबर बी, नंबर को क्या लिया एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटी क्यू. क्वेश्चन में जो कहा है वो अपने को करना है. द नंबर भी अपन ने एक्स ले लिया, क्वेश्चन में कहा है थ्री टाइम्स ऑफ द नंबर, मीन्स नंबर का कितना टाइम थ्री टाइम्स किया, थ्री मल्टीप्लाई एक्स, उसमें क्या ऐड किया टू मोर देन, टू मोर देन मतलब क्या करना है ऐड करना है टू को. क्लियर, तो नंबर इज 17. क्लियर, तो टू को यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया, थ्री एक्स इक्वल टू 17 माइनस टू, थ्री एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 15. क्लियर, तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 मीन्स कितना आ गया आपके पास 5. अभी आपको एक्स की वैल्यू ठीक है 5 और दैट इज द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 में. द नंबर इज 5, ऑप्शन इज, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास डी. क्लियर, एक बार फिर देख लें, टू मोर देन थ्री टाइम्स द नंबर इज 17, मीन्स नंबर को लिया एक्स, थ्री टाइम्स किया उसका थ्री मल्टीप्लाई एक्स, क्या ऐड किया टू ऐड किया और गिव्स कितना 17. क्लियर, तो 2 को उधर शिफ्ट किया माइनस हो जाएगा 17 माइनस 2 15, 3x इक्वल्स टू 15, दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 5. नाउ x की वैल्यू 5 आई, मींस द नंबर इज 5. क्वेश्चन नंबर 15 इज द लास्ट क्वेश्चन. On adding 6 to, on adding 6 to 5 times a number we get 46. The number is, on adding 6 to 5 times a number we get 46. वही है जो अपने पहले क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं, लेट नंबर बी एक्स, जो नंबर है उसको एक्स ले लिया. सोल्यूशन एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको 5 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 5 टाइम्स मीन्स 5 मल्टीप्लाई एक्स, उसमें क्या ऐड करना है ऑन एडिंग 6 ऐड करना है एंड नंबर गिव्स 46. 6 को यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट किया 5x इक्वल टू 46 माइनस 6, 5x इक्वल टू कितना आ गया 40, दैट्स वाई x इक्वल टू 40 अपॉन 5 मीन्स कितना आ गया 8, x की वैल्यू 8 मीन्स नंबर क्या था आपके पास 8. ऑप्शन है आपके पास A. एक बार और देख लें इस क्वेश्चन को, ऑन एडिंग 6 टाइम टू 5 टाइम्स अ नंबर वी गेट 46. 5 टाइम किया 5 इंटू एक्स, ठीक है प्लस 6 ऐड किया 46 मिला, 5x इक्वल टू 46 माइनस 6, 6 उधर जाके क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5x इक्वल टू 40, x की वैल्यू 40 अपॉन 5 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 8. ऑप्शन क्या आ गया आपके पास A. क्लियर, बाकी क्या क्वेश्चन SW में है वो आपको कर रहे हैं NCQ के. होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5, 7, 9. क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16. ये क्वेश्चन आपको करने हैं.
इसकी वीडियो और पीडीएफ दोनों ही आपको मीन्स मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।